चूल्हा तैयार करने के लिए सबसे पहले सीमेंट और बजरी के मिश्रण को लेते हैं, 1/4 के रेशो में लेना है तथा इसे अच्छी तरह से मिलाना है। मिलाना इस तरह से है कि सारा सीमेंट और मिल जाए। इसके बाद इसमें पानी मिला के एक अच्छा सा एक समान रूप से मिश्रण तैयार किया हुआ आपका सीमेंट और बजरी का मसाला तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद जिस पीपे पे आपको चूल्हा बनाना है उसे अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। एक कार्ड शीट पे 15x5 सेंटीमीटर जाली और राख के लिए तथा 15x13 सेंटीमीटर का लकड़ी डालने के लिए कागज के या कार्डबोर्ड पे शीट पे नोट कर लीजिए। इसे अब पीपे के ऊपर रख के मार्कर पेन की सहायता से उस साइज का ड्रॉ कर लीजिए जिससे कि हमें कटिंग में सुविधा रहे। इसके बाद नीचे की जगह पे अपन देख रहे हैं कि जाली और राख के लिए जो जगह रखनी है उसके लिए 15x5 सेंटीमीटर का निशान बना लिया है। अब चूल्हे को स्मोकलेस बनाने के लिए पाइप लगाने के लिए पाइप जिस भी साइज का उस साइज का मार्कर से निशान लगा के कट लगाना है। अब यहाँ हैंड ग्राइंडर से आपको काटना है। अगर आप हैंड ग्राइंडर नहीं है तो 10 रुपये का फनर आता है जिसकी सहायता से पीपा आसानी से कट जाएगा। उसके साइज का लेके आपको प्यार धीरे धीरे सावधानीपूर्वक काटना है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि आपको हाथों में ग्लव्स पहन लेना है अन्यथा क्योंकि पीपा कटने के बाद बहुत ही शार्प एज बना देता है जिससे कि आपको कट लगने या चोट लगने का खतरा रहता है। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप आसानी से ध्यान रखते बड़ी सावधानी से इसके अंदर जब भी हाथ डालो उसे सावधानी से रखना जिससे कि आपको कट ना लगे। इसके साथ हैंड ग्राइंडर से काटने के बाद इन दोनों छेदों को अलग कर लेना है। अब ध्यान रखने की बात है अब हमें ऊपर से काटना है क्योंकि हमारा ग्राइंडर का ब्लेड वर्न आउट हो चुका है इसलिए नया ब्लेड लगा लेते हैं और लगा लेने के बाद इसे ध्यान से टाइट कर और फिर वापस ऊपर से हम इसकी कटिंग करना चालू कर देते हैं। ध्यान रखिए कटने के बाद शार्प एज तैयार होंगे जिससे हमें बचना है नहीं तो हमें चोट लग सकती है। और इसे बड़े जितने अच्छे सावधानी से काटोगे और जितने अच्छे फिनिशिंग से काटोगे चूल्हे की लुकिंग उतनी ही अच्छी आएगी। अब काटने के बाद इसे रैग मार्क से घस लेना क्योंकि पहले ही बताया था कि एज बहुत शार्प होती है कट लग सकता है इन फ्यूचर चूल्हे को यूज़ करते समय भी इसलिए इसे अच्छे से सैंडिंग कर लेनी है। सारी शार्प एजों को आपको ख़त्म कर देना है सैंड करते हुए इसमें ज़्यादा मेहनत कर सकते हो आप। अब इसके बाद हमें चाहिए कि चूल्हे के अंदर लकड़ी और जाली फिट करने के लिए तो थर्माकोल की सीट लेते हुए इसे थर्माकोल में जिस साइज का आप बाल्टी या छेद रख रहे हैं उस साइज का ड्रॉ करके थर्माकोल पे उस साइज को काट लेना है जिससे कि हमें सेट करते समय चूल्हे के अंदर बहुत सुविधा रहेगी। अब नीचे सबसे बेस में सबसे पहले सीमेंट रखिए। सीमेंट रखने के बाद जाली लगाने और राख के लिए जितना छेद आपने बनाया उतनी थर्माकोल की सीट लगा रखने के बाद उसके ऊपर सीमेंट डाल दीजिए। ध्यान रखिए ऊपर नहीं डालना है साइडों में डालना है। इसके बाद जाली लगाते हुए और जिस बीच में आपके चूल्हे का साइज है उस साइज की बाल्टी रखनी है और लकड़ी डालने के लिए थर्माकोल की सीट डाली थी उसे उसमें सेट करते हुए चारों तरफ सीमेंट के मिक्सचर को डाल दीजिए। अब सीमेंट के मिक्सर को डालने के साथ ही लकड़ी से इस तरह से टैप करना जिससे कि कहीं भी होलो या खोखलापन ना रहे अच्छे से बच जाए। यहाँ सीमेंट के पाइप थर्माकोल सीट इसलिए लगाई कि अंदर सीमेंट जाके चोक ना हो जाए। इसे स्मोकलेस चूल्हे वाली छेद पर डालने के बाद ईंट से सपोर्ट देना है क्योंकि यहाँ हमारी बाल्टी छोटी है तो हमें इसे और ऊपर करना है इसलिए थोड़े बजरी डालिए। अगर आपके बाल्टी का साइज बड़ा है तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो। बजरी डालने के बाद आपने वापस सेट की है और इसके ऊपर हमने सीमेंट और अपना जो मसाला है अच्छी तरह से मिलाना के डालना शुरू कर दिया। यहाँ आपको अच्छी तरह से मिलाना है कहीं भी गैप ना हो। कुछ देर ट्राई होने के बाद आप आसानी से इसमें से बजरी निकाल लीजिए जो अपन ने डाली थी बाल्टी की हाइट बढ़ाने के लिए और यहाँ से आप थर्माकोल की सीटें निकालते जाइए और आसानी से निकल जाएगी। नहीं निकालते तो आप किसी भी चीज़ से इसे निकाल सकते हो। निकालने के बाद आप देख रहे हो कि यह पूरी तरह से आपका चूल्हे तैयार हो जाएगा। बस इसको फिनिशिंग देने के लिए थोड़ी सी साफ़ सफाई करना है जिससे कि यह अच्छा लुकिंग देने लग जाएगा और अंदर से जितने भी रॉ मटेरियल है उसे निकाल के अलग कर लीजिए। इस तरह से आपका ये चूल्हा पूरी तरह से तैयार है यूज़ करने के लिए। चलिए अब हम इसे यूज़ करके देखते हैं कि यह किस तरह से चलता है। तो सबसे कुछ नहीं, आपने इसमें लकड़ियाँ रख ली है थोड़ी बहुत और लकड़ी जमाने के बाद इसमें जाहिर सी बात है छोटी लकड़ियाँ ही ज़्यादा यूज़फुल तरीके से जल पाएगी क्योंकि ये पोर्टेबल चूल्हा है एक तरह से और इसमें आप लकड़ियों को जलाते हैं और जलाने के बाद हम कुछ इसमें पका के देखते हैं कि क्या इसमें कितनी जल्दी बनता है और किस तरह से यह स्मोकलेस चूल्हा वर्क करता है। इस पर हमने पैन रख दिया है और पैन रखने के बाद ही थोड़ा ऑयल डाल के अब अपने जो सामग्री हमें पकानी है उसे रख देते हैं और देखते हैं कि क्या तैयार होता है। देखने में यह चूल्हा वाइज बहुत ही सुंदर लग रहा है और इस सुंदर चूल्हे और पोर्टेबिलिटी के साथ इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो जाहिर सी बात